खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। आज हमारा काफिला आ पहुंचा है आजमगढ़। अखिलेश यादव निरहुआ, लड़ाई यहां दिलचस्प है भी या नहीं, इस पर राजनीतिक चर्चा होगी कुछ देर के बाद, जब आजमगढ़ पूछेगा सवाल और नेता देंगे जवाब। लेकिन उससे पहले आज दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम पर दस्तूर निभाते हुए दिखाते हैं कुछ खास रिपोर्ट्स। देखिए 2019 के इस लोकसभा चुनाव में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 चरणों का चुनाव बचा है, 118 लोकसभा सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। लेकिन राहुल से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की रैली में अब राजीव गांधी का नाम छाया रहता है। जी हां, राफेल और राष्ट्रवाद के बाद चुनावी रैलियों में अब एंट्री हो गई है राजीव गांधी की। तो सवाल यह है कि क्या इस बार के इलेक्शन में आर लगाएगा पार? पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए, देखिए खेल कैसा खेला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में खुलेआम राहुल और प्रियंका को अपने पिता राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन चुनाव की चुनौती के साथ साथ वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन भी बता रहे हैं। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। अपने पिता पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी मोदी एक शहीद का अपमान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, एक शहीद व्यक्ति का अपमान करते हैं। और मैंने क्या कहा, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी दादा दादी सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। लेकिन सवाल यह कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती दे क्यों रहे हैं? दरअसल 2 चरणों में देश के जिन 118 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है उनमें से करीब 30% यानी 40 सीटें ऐसी हैं जहां सिख वोटर की ताकत असर डालती है। इन सीटों में दिल्ली की 7, पंजाब की 13, हरियाणा की 4 और मध्य प्रदेश की 3 सीट शामिल है। सिख वोटरों की बात इसलिए क्योंकि 1984 के दंगों के लिए सिख समाज राजीव गांधी को दोषी मानता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे और दंगों के बाद राजीव गांधी ने जो बयान दिया था उसने सिख समाज को और भी ज्यादा नाराज कर दिया था। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को राजीव गांधी के नाम पर चुनाव की चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उनको बखूबी पता है कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। और इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन आखिर इन आरोपों का सच क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का नाम लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। 1989 में कांग्रेस बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव हार गई थी, लेकिन 2004 में राजीव गांधी को हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी, यानी राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। आज इसका जवाब अंबाला में प्रियंका गांधी ने दिया। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है, इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है, ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। अभी प्रियंका गांधी ने मोदी जी की तुलना दुर्योधन से करी है। प्रियंका जी, देश की जनता तय कर देगी, 23 तारीख को तय कर देगी दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है। कुल मिलाकर देखें तो चौकीदार चोर के जवाब में बीजेपी ने राजीव गांधी के जमाने की घटनाओं को ताजा कर दिया है। अब स्थिति ये है
कि दोनों इसका फायदा अपने तरीके से उठाने में जुटे हैं।